नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF विश्व का सबसे बड़ा रक्षक बल है। BSF की 193 बटालियन आज देश की 6385 किलोमीटर सीमा की रक्षा करने के साथ ही सीमा पर मौजूद गांव के लोगों के बीच देशभक्ति प्रेम जागृत करने में अहम भूमिका निभा रही है। इतना ही नहीं, उड़ीसा में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने एवं गुरुप्रिया सेतु के जरिए प्रदेश के नक्सल प्रवण जिले में विकास की रूपरेखा तैयार करने में सीमा सुरक्षा बल के जवानों का योगदान अतुलनीय होने की बात BSF के IG सतीश चंद्र बुद्धा कोटी ने यहां आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कही है। BSF IG सतीश चंद्र बुद्धा कोटी ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 1960 के दशक में नक्सलियों का आतंक चरम पर था और इसमें विशेष रूप से ओडिशा के 4 जिले से नवरंगपुर एवं रायगढ़ जिला बुरी तरह से प्रभावित थे। इसके बाद नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए BSF की टीम ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर प्रदेश में काम करना शुरू किया और आज नतीजा यह है कि प्रदेश में नक्सली गतिविधि नाम मात्र की रह गई है। BSF IG ने कहा कि नक्सल गतिविधि कम करने 2018 में नवीन पटनायक सरकार द्वारा गुरुप्रिया सेतु का उद्घाटन भी अहम कड़ी है, क्योंकि इस सेतु के जरिए उक्त इलाके के 150 गांव के 30,000 आबादी ओडिशा सरकार के साथ जुड़ी और आज वहां पर शांति है। इस सेतु पर सप्ताह के 7 दिन एवं 24 घंटे BSF जवानों का पहरा है। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क इलाके में चल रहा है और नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर BSF के जवानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। BSF IG ने कहा कि गुप्तेश्वर रोड से ID बरामद किया जाना BSF की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि BSF के जवान के केवल नक्सलियों की गतिविधि पर ही लगाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमारी टीम जहां पर तैनात है उस इलाके में शिक्षा से लेकर कंस्ट्रक्शन एवं विकास कार्य की गतिविधि को जारी रखने में अहम भूमिका निभा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।